धान की बिक्री पर लगी रोक से परेशान ग्रामपुरे के किसान ने अपना धान ट्रैक्टर में लादकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कर से निजात दिलाने की गुहार उसने लगाई। दुर्ग एसडीएम द्वारा ग्रामपुरे के किसान बालाराम साहू के धान की बिक्री पर रोक लगाने से परेशान किसान मंगलवार को अपने 64 क्विंटल धान की दुर्दशा होते देख कुछ बोरी धान के साथ दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उसने जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे से गुहार लगाते हुए उसके धान की खरीदी किए जाने की मांग की। एसडीएम द्वारा रोक लगाने से मानसिक पीड़ा झेल रहे किसान बालाराम साहू ने कहा कि शासन की नीतियों के तहत अगर उससे धान नहीं खरीदा गया तो उसे कर्ज के चलते आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि बालाराम साहू अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करता है, जहां 6 एकड़ खेत में उसके अन्य भाइयों का भी हिस्सा है और सभी अपने हिस्से की जमीन पर धान की बुवाई किया करते हैं, लेकिन इस वर्ष पारिवारिक विवाद के बाद एसडीएम ने बालाराम साहू की जमीन पर उपजे धान को शासकीय कृषि उपज मंडी में बेचने पर पाबंदी लगा दी, जिससे पीड़ित बालाराम साहू के सामने धान बेचने व कर्ज चुकाने की समस्या आन पड़ी हुई है। ऐसे में बालाराम साहू ने दुर्ग जिला कलेक्टर से गुहार लगाते हुए उसके धान की खरीदी किए जाने की मांग रखी है। अब देखना यह है कि किसान हितैषी प्रदेश सरकार के राज में हमने अपने संगठन की तरफ से कलेक्टर को 4-5 दिन पहले ज्ञापन दिया था। हमने साफ उसमें कहा है कि 55-60% क्षति उद्यान की रबी जो है धान चना गेहूँ लाखड़ी इत्यादि लगभग 55-60% की क्षति हमारे आंकड़न के हिसाब से हो चुकी है। जहाँ तक धान खरीदी का मामला है, 1.5 महीने हो गया है धान खरीदी करते और अभी तक 2/3 धान खरीदी भी नहीं हुई है पूरे प्रदेश में और हमारे जिले में भी। 10 दिन खरीदी का बाकी है और 10 दिन के समय में 1/3 लक्ष्य का 1/3 धान खरीदना लगभग असंभव है। तो हमारा ये कहना है कि किसी भी हालत में कोई भी किसान पंजीकृत किसान धान बेचने से न चुके और इसके लिए जरूरत पड़े तो एक हफ्ते तक समय, कम से कम खरीदी का समय 1 हफ्ते तक बढ़ाया जाना चाहिए। हम लोग का मामला ये परिवारी की वादी चल रहा है, हम लोग का केस भी चल रहा है उच्च न्यायालय में। तो ये क्या है, हम लोग का हिस्सा 6 एकड़ जमीन मिला है, भाई लोग का सभी हिस्सा है 6 लोग का, चाचा के लोग का अलग है। तो हम लोग 64 क्विंटल हम लोग को टोकन मिलता है और खाद बीज भी मिलता है शासन से, हर साल मिलता है, हर साल बेचता हूँ मैं और हर साल मतलब स्टे लगाता है। तो जांच करवा कर तहसीलदार, नायब तहसीलदार जांच करवा कर हम लोग को आदेश देता है बेचने के लिए। इस साल क्या हुआ, स्टे डायरेक्टर लगा दिया, जाँच कुछ नहीं किए एसडीएम साहब। तो मैं चाहे गया तो बोलता है मतलब तू नहीं बेच सकते हो, तो कर्जा कहाँ चुकाऊंगा, 95 कर्जा है और अदर कर्जा और है मेरा, तो खाद बीज नहीं तुम मत बेचो ऐसे बोलता है। तो मैं कहाँ थी इसका, मैं कलेक्टर को एक बार पत्र सौंपा था। तो मुख्यमंत्री पहले बार बना है और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले बार ये हुआ है, अभी तक नहीं हुआ था इसी। तो अभी 16 तारीख का मैंने टोकन दिया था और 14 तारीख को स्टे लगा दिया, मैं धान बिक गया मतलब 10,000 मतलब खराब भी हो गया, गैया उचर दिया, ब्यारम पड़ा था, अभी जड़े भी आ गया, तो कैसे करूँगा मैं, 10,000 नुकसान भी चाहिए। एसडीएम साहब रोका है तो मेरे 64 क्विंटल का धान था मतलब बहुत सारा और खराब हो गया 2-3 क्विंटल। एसडीएम साहब उन्हें पोयम क्या कहते हैं, वो मत बेचो नहीं बेच सकते हो तुम, आवेदन लगाया अगले पक्ष से बोलता है। अच्छा। मैं आवेदन लगाया, कलेक्टर साहब को कुछ नहीं करवाई किया, कलेक्टर साहब को सौंपूंगा और जैसे उसका मानेगा तो उसको मान्य करूंगा मैं, कर्जे तो मुक्त हो जाऊंगा, अगर नहीं लेगा तो मैं आत्महत्या करने तैयार हूँ मैं। अब देखना यह है कि किसान हितैषी प्रदेश सरकार के राज में बालाराम साहू को न्याय मिल पाता है या कि नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।